चैनल विजया ब्लॉग। सो वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट है सेकेंड डे का वीडियो वो, और उसमें उसमें मेरी डिलीवरी हुई थी और डिलीवरी कैसे हुई थी, क्या हुई थी, क्या क्या दिक्कत हुई थी, क्या क्या प्रॉब्लम्स हुई थी और कितने दर्द हुए थे मुझे। सब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। इसके पहले वाली वीडियो मैंने शेयर कर दी है, आपने ज़रूर ज़रूर देखनी है और वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करना है। चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। उसके बाद मेरी थोड़ी आवाज़ कम आ रही होगी तो आई एम सॉरी, आप वॉल्यूम बढ़ा लो। मॉर्निंग से प्रोसेसिंग स्टार्ट हो गया था, डॉक्टर आई थी देखने के लिए और फिर उसके बाद ग्लूकोज वगैरह, फिर जो इंजेक्शन यहाँ पे लगता है वो सब लग चुके थे और यहाँ पे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था और कंटिन्यूस बेबी की हार्ट बीट वगैरह चेक हो रही थी, मतलब वो हट ही नहीं रहता और उसकी वजह से पेट में इतना दर्द। मतलब और उसमें ना बड़े मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती कितनी दिक्कत हो रही थी। उसके बाद कंटिन्यूस स्टार्ट हो गया था प्रोसेस नेक्स्ट डे से, मॉर्निंग से स्टार्ट हो गया था। उसके बाद जो वहाँ के डॉक्टर के अंडर काम करते हैं वो लोग आए, उन्होंने देखा। उसके बाद इंजेक्शन वगैरह स्टार्ट हुआ। दस बजे से एक दवाई दी गई थी मुझे, जो टंग के नीचे रख के उसको मुझे खाना था विदाउट वाटर, सो वो खाई मैंने दवाई। उसके बाद भी मुझे कोई दर्द स्टार्ट नहीं हुआ था, बल्कि बहुत हल्का हल्का दर्द हो रहा था। मुझे बार बार पूछ रहे थे कि आपको दर्द हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बोली नहीं दर्द तो नहीं हो रहा। सो सब लोग सरप्राइज हो रहा। उसके बाद दो घंटे बाद इंजेक्शन दिया गया। इंजेक्शन के बाद फिर थोड़ा थोड़ा पेन स्टार्ट हुआ, फिर भी इतना पेन था कि नॉर्मल पेन था कि मैं हाँ बर्दाश्त कर सकती थी, इतना ही पेन था। उसके बाद जो मेरी डॉक्टर आई, उन्होंने मुझे देखा और मैं मस्त कॉफ़ी वगैरह पी रही हूँ, चाय वगैरह पी रही हूँ। सो वो मुझे बहुत भड़की कि ऐसे आप डिलीवरी करोगी, मतलब तो बोले कि तू आराम कर रही है, मुझे डिलीवरी करना है कि नहीं करना है, बच्चा नहीं पैदा करना है कि नहीं करना है। सो थोड़ा सा उन्होंने मुझे डांटा। उसके बाद बोले कि अब तू उतरना मत बेड पे से, अगर तो उतरी तो देख। फिर मैं उसके बाद से बेड पे लेटी तो डायरेक्ट डिलीवरी होने के बाद ही उठी। उसके बाद से उन्होंने बहुत डांटा मुझे क्योंकि मैंने मुझे चेक किया, फिर जो उन्होंने चेक किया उसके बाद से ऑलरेडी मेरे जो बच्चे जाने का मतलब बेबी जहाँ से निकलता है उसका मुंह बड़ा हो चुका था, उसके अलावा थोड़ा और बड़ा होने का हम लोग वेट कर रहे थे। फिर वो जो प्रोसेस होता है उस बीच में जब बच्चा वहाँ का पार्ट थोड़ा और बड़ा हो रहा था, तब जो पेन होता है मेन वो होता है। तो उन्होंने मुझे चेक किया, तो जब उन्होंने चेक किया उसके बाद से मुझे पेन स्टार्ट हुआ, इतना पेन हुआ मतलब मुझे लग रहा है एक से डेढ़ घंटा दो घंटा प्लस पेन हुआ था। मेन जो होता है एकदम मेन, इतना पेन होता था कि उसमें मैंने मतलब ज़िंदगी के सारी चीज़ें याद कर ली थी, ऐसा पेन हो रहा था। और इतना मतलब मैं रोना स्टार्ट कर दी थी, मम्मी रे मम्मी रे मम्मी रे, और मेरी मम्मी को मुझे देख के रो रही है और मेरे हस्बैंड मुझे देख के रो रहे हैं। फिर मम्मी तो बाहर भाग रही थी बार बार क्योंकि उनको मैं ऐसे देख वो मुझे ऐसे देख ही नहीं पा रही थी, बट मेरे हस्बैंड थे साथ में, मम्मी थे साथ में, कंटिन्यूस उन्होंने मेरे हाथ पकड़ के रखे थे। इतना दर्द हो रहा था, इतना दर्द एक्सप्लेन नहीं कर सकता, जिसको हुआ है वही बता सकता है। और ये तो मुझे दवाई वाले दर्द थे जो दवाई से उठे थे, लेकिन जो जिसको रियल में होता है एक से दो से तीन दिन तक होता है, जैसे मम्मी बता रही थी मेरी कि उन लोग को तीन तीन दिन तक पेन होते थे, बट फिर भी वो लोग कंटिन्यूस काम वगैरह सब कुछ कर देते, बट यहाँ पे मेरी डेढ़ घंटे में हालत पंचर हो गई थी। सो डेढ़ घंटा एक से दो, दो से ढाई, तीन बजे तक। उसके बाद जब डॉक्टर मुझे चेक करने के लिए आई, तब मुझे पानी जाना स्टार्ट हो चुका था, पानी जाना स्टार्ट हुआ। उसके बाद से मेन प्रोसेस दर्द का स्टार्ट हो गया, उसके बाद दर्द बहुत ज़्यादा हो गए थे, उसके बाद मतलब जो भी प्रॉब्लम्स होती है सब कुछ होने लगी थी, क्या ही बोलूँ उसमें।
फिर उसके बाद जब डॉक्टर आई चेक करने के लिए, तो फिर उन्होंने बोला कि मतलब मैं लास्ट तक मैं ऐसा हो गया था कि अब बस ऑपरेशन कर दो, बस मैंने इतना बोला ऑपरेशन कर दो, तब तक डॉक्टर आई बोली कि हो गया ओपन हो गया, चलो लेके फटाफट फटाफट लेके गए मुझे वहाँ पे। फिर मुझे लगता है 5 मिनट में पुश 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 3 से 4 बार पुश पुश बोला उन्होंने, तीसरी बार में पुश, तीसरी बार में हो गया। मैं होश में थी, मुझे सब कुछ याद है क्या हुआ था उस वक्त, क्या हुआ था उस वक्त। दो डॉक्टर मतलब मेरे पैर के पास थे, दो लोग हाथ के पास थे, दो लोग ने पैर पकड़ा था, एक लोग ने पेट पे मेरे मतलब पुश कर रहे थे पेट पे चढ़ के, कि उसको धक्का मारते बेबी को कि वो बाहर निकल जाए। बेबी हेल्दी था, मोटा था, तो उसको बाहर निकलने में थोड़ा सा चाहिए था, तो वो यहाँ पे मेरे चेस्ट पे पकड़ के वो पुश कर रही थी, और एक ने मेरा हाथ पकड़ा था, दो ने मेरा पैर पकड़ा था, मतलब पैर इस तरीके से, लाइक इस तरीके से पैर होना चाहिए। तो उस वक्त ऐसा था कि हो गई, और मैं ऐसा लगा कि क्या क्या ही हो गया सब कुछ, मतलब इतनी रिलैक्स हो गई थी मैं, दर्द खत्म, सब कुछ खत्म, पेट हल्का हो गया, हाथ और पैर हल्के हो गए, बॉडी हल्की हो गई, मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ, अभी भी वही फील कर रही हूँ। तो सब कुछ इतना इतना रिलैक्स हो गया ना मुझे कि ठीक है अब हो गया। फिर फटाफट उन्होंने बेबी को मेरे चेस्ट पे रखा, मैंने उसे देखा और उन्होंने मुझे दिखाया, फिर फटाफट से 5 से 10 मिनट में सब कुछ हो गया। तुरंत डिलीवरी के बाद तुरंत आ गया चाय और सैंडविच, बोला कि आप चाय और सैंडविच खाओ, नाश्ता करो, आराम करो। फिर 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटे के बाद मैं अपने रूम में पहुंच गई। तो ये वीडियो बस इतना ही, और ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, बट आपको मज़ा ज़रूर आएगा। मैंने अपने एक्सपीरियंस शेयर किया आपसे, और अभी तो सोच रही तो मुझे बड़ी हंसी आ रही है, बट उस वक्त तो मेरी माँ मुझे बहुत याद आ रही थी, मेरे घर वाले बहुत याद आ रहे थे, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं किसको नोच नोच के मारूँ, ऐसा लग रहा था। बट जो भी था बहुत अच्छा हुआ, और सबने बहुत सपोर्ट किया, मेरे हस्बैंड ने बहुत सपोर्ट किया, मम्मी ने बहुत सपोर्ट किया, सबने बहुत सपोर्ट किया, क्योंकि अगर वो नहीं हो रहा तो मैं मतलब मैंने बोल दिया था कि हाँ भाई ऑपरेशन कर दो। बट उनकी वजह से मैं रुकी थी, बहुत 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 ज़्यादा दर्द होता है यार, बहुत ज़्यादा दर्द होता है, इसीलिए माँ का दर्जा बहुत ऊपर होता है। उस दिन मुझे पता चल गया कि हाँ यार माँ किससे कहते हैं और क्यों कहते हैं, माँ का जो लेवल है एकदम हाई है। इस तरीके से मैं भी माँ बन गई उस दिन। बस ये वीडियो बस इतना ही, आई होप आपको अच्छी लगी वीडियो, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको रिवील करूँगी मेरे बेबी का नेम, जेंडर और फेस। जी हाँ, ये सारी तीनों चीज़ें एक ही वीडियो में रिवील कर दूँगी, क्योंकि ऑलमोस्ट सबको पता ही है, बेबी का नेम भी पता चल गया, बेबी का फेस भी पता चल गया, जेंडर भी पता ही है, बट जो मेरे यूट्यूब फैमिली है उनको बताना ज़रूरी है, इसीलिए उनकी एक प्रॉपर वीडियो बनाऊँगी और शेयर करूँगी आपसे। तो वीडियो को प्यार जरूर देना, प्लीज़ कीप सपोर्ट, और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें, और लव यू ऑल।